शिखर धवन ने बीसीसीआई को अपना बयान जारी करते हुए कहा कि अगर उन्हें आगे खेलने का मौका नहीं मिला तो वो बहुत जल्दी ले लेंगे क्रिकेट से संन्यास। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले शिखर धवन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। किसी दूध में पड़ी मक्खी की तरह बीसीसीआई ने शिखर धवन को टीम इंडिया से बाहर फेंक दिया है। उन्हें ना तो T20 वर्ल्ड कप में पूछा गया और ना ही न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में, और उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि बीसीसीआई उनका विकल्प ढूंढ रही है। बार बार बीसीसीआई की तरफ से नजरअंदाज करने पर आखिरकार शिखर धवन ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि क्या आपके हिसाब से भारतीय टीम को अब शिखर धवन की जरूरत है या नहीं। शिखर धवन ने टीम इंडिया और बीसीसीआई को अल्टीमेटम दिया है। जैसा कि आपको पता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में सीरीज 17 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। ऐसे में शिखर धवन ने अपना बयान देते हुए बीसीसीआई से कहा कि बीसीसीआई मेरे साथ काफी गलत कर रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द मैं टीम इंडिया को अलविदा कह दूंगा। बार बार ऐसे नजरअंदाज करने पर मेरा मनोबल भी टूटता है और ये मेरे करियर के लिए भी ज्यादा ठीक नहीं होगा। बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद भी जिस तरह बीसीसीआई ने मेरे को टीम इंडिया से बाहर रखा है उससे मेरा काफी मनोबल भी टूटता है और ये मेरे क्रिकेट करियर के लिए अच्छा भी नहीं है, तो मैं अनिश्चित काल के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले लूंगा। इस दौरान शिखर धवन काफी भावुक भी लग रहे थे। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप शिखर धवन को टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए देखना पसंद करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।